अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, अगेन आई एम बैक विद अनदर हाफ लेक्चर ऑफ दिस यूनिट। अनफॉर्चुनेटली देर वर सर्टन प्रॉब्लम्स ड्यू टू विच आई कुड नॉट अपलोड माय हाफ ऑफ द चैप्टर ड्यू टू सर्टन टेक्निकल प्रॉब्लम्स एंड सम मैकेनिकल प्रॉब्लम्स विद माय मोबाइल फोन एज वेल। सो हियर वी आर अगेन बैक टू द टॉपिक। सो एवरीबॉडी, आई होप सो सबको याद है अबाउट द प्रीवियस लेक्चर व्हाट हैपेंड, लाइक द कैरेक्टर्स, फोर मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी एंड रेस्ट ऑफ द सिनेरियो एंड द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी एज वेल। सो आप सबको याद होगा कि फोर मेन कैरेक्टर्स थे, जिनमें एक क्लोविस था, एक स्टारिज था, एक जेन मार्टलेट थी और एक डोरा थी और एक उनकी मदर थी। लाइक फाइव मेन कैरेक्टर्स थे जो कि मिसेस सैंड्रेल थे, ठीक है। और बाकी स्टोरी का एक दफ़ा आपको मैं रिकैप फिर से दे देती हूँ कि लाइक जेन मार्टलेट जो थी वो मिसेस सैंग्विल के घर पे रहने के लिए आई हुई थी और वो हमेशा 14 दिन के लिए यहाँ पर रहती हैं। और जेन और डोरा जो हैं वो दोनों फ्रेंड्स थी, और लेकिन ये कि वो इस तरह की गेस्ट हैं कि जो अपना विज़िट कभी भी पोस्टपोन नहीं करती हैं, जो कि जेन है। तो क्लोविस और उसकी मदर तो खैर इतना परेशान नहीं होती, लेकिन क्लोविस थोड़ा बहुत उनके आने से नाखुश होता है। सो ये क्लोविस था, ये कैरेक्टर और जिनके बारे में हमने बात की थी, ठीक है। और लेकिन फिर उसके बाद क्लोविस अपनी मदर को बताता है जेन और डोरा के क्लैश के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, जो कि एक ब्रॉन्ज लेगहॉर्न हैन की वजह से उन दोनों के बीच में एनमिटी हो जाती है और जिसकी वजह से दोनों फ्रेंड्स में आपस में एनमिटी काइंड ऑफ रिलेशनशिप बन जाता है। सो दिस टाइम वो चाहता है कि जेन और डोरा जो है वो एक दूसरे का सामना ना करें और इस सिचुएशन को जो है वो अवॉइड किया जाए और किसी तरीके से मिसेस सैंग्रेल और सॉरी जो डोरा और जेन है इन दोनों को मिलने से रोका जा सके। सो बेसिकली वो प्लान करता है और उस प्लान को पढ़ते पढ़ते हम पहुंचे थे स्टरिज के ऊपर, कि स्टरिज जो है उनका बहुत ही खास एक सर्वेंट होता है जो कि घर के पूरे सारे निज़ाम को संभालता है। और लेकिन वो उसके बारे में डोरा जेन के माइंड में बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ और बहुत सारे डाउट्स जो है वो उसके माइंड में डाल देता है। सो लेट स्टार्ट द कंटिन्यू द स्टोरी। ओके, सो पिछले लेक्चर की तरह इस लेक्चर को भी मैंने इसी तरीके से प्लान किया है। लाइक यू कैन सी ऑन द बुक के मैंने बहुत सारे वर्ड्स के जो मीनिंग्स हैं वो ऑलरेडी इस पे लिख दिए हैं। आप जैसे जैसे साथ साथ इस लेक्चर को सुनते जाएंगे, आपके लिए वर्ड्स को देखना, उनके मीनिंग्स को देखना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और उनको समझना भी आसान हो जाएगा। सो लेट स्टार्ट द लेसन। ओके, यस, सो वी स्टॉप्ड टिल हियर। नाउ यू सेड क्लोविस ब्रीफली, अब इसके बारे में मुझे थोड़ा सा यहाँ से बैक से स्टार्ट कर लेने दे, ठीक है। वॉट हैज ही टेकन अ फैंसी अबाउट सम वन हियर नाउ। लाइक वो जेन जो है वो एक्साइटेड होकर पूछती है कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनमें से किसके बारे में जो है स्टरिज उसने अपने दिमाग में एक आइडिया बना लिया जिसके वो अगेंस्ट जाने वाला, जिसको वो ट्रबल करने वाला है, ठीक है। तो अभी यहाँ वो बात करेगा, थ्रिलिंग, डू टेल मी हु इट इज़, कि मुझे बताओ कि वो कौन था जिसके बारे में क्लोविस ने अपने दिमाग में कुछ खराफात जो हैं वो पैदा की हुई हैं और जिसकी वजह से घर का माहौल ख़राब हो सकता है। यू सेड क्लोविस ब्रीफली, आप हैं जेन मार्टलेट, आप हैं जिसके बारे में उसने अपने दिमाग में कुछ चीज़ें जो हैं वो बना ली हैं, ठीक है। और उसने बस यू ही कहा, शॉर्टली का मतलब सिर्फ यू कहा। मी, मैं कैसे हो सकती हूँ, क्लोविस, क्लोविस नोडेड, ठीक है। नोडेड का मैंने आप लोगों को यहाँ पर मीनिंग बता दिया था, नोडेड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको नोडेड का मतलब बता दिया है। अच्छा जी, हु ऑन अर्थ डज ही थिंक आई एम, उसको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। क्वीन एन, वो समझता है कि आप क्वीन एन हैं, वॉज द अनएक्सपेक्टेड आंसर। ये एक ऐसा आंसर था जो कि जेन एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि क्वीन एन और जो जेन मार्टलेट है उसका क्या कंपैरिजन है और क्यों वो अपने माइंड में उसके बारे में ऐसी बातें सोच सकता है। क्वीन एन,
What an idea! But anyhow, there is nothing dangerous about her. अगर वो क्वीन एन के मुझे क्वीन एन समझ भी रहा है तो इसमें कुछ परेशान होने वाली या खतरे की तो कोई बात नहीं है. She is such a colorless personality. वो एक colorless personality है जिसमें कोई रंग और रौनक नहीं है. बड़ी बुझी बुझी सी खामोश तबीयत की और खुश्क मिजाज किस्म की खातून है. The only thing I can remember about her, मुझे उसके बारे में जो याद है, is the saying Queen Anne's dead. Queen Anne के बारे में जो सब लोग बात करते हैं वो ये कि वो मर चुकी है. Exactly, जी बिल्कुल ऐसा ही है, said Clovis. Clovis ने कहा dead, मर गई है. Exactly, वो जिंदा नहीं है. Do you mean he takes me for the ghost of Queen Anne? तुम्हें लगता है कि वो मुझे क्वीन एन का घोस्ट यानी उसका भूत समझ रहा है कि मरी हुई क्वीन एन जब वो वापस आ गई है? जेन पूछती है. घोस्ट, भूत, डियर नो, नहीं ऐसा नहीं है. नो वन एवर हर्ड ऑफ अ घोस्ट विद सच अ हेल्दी एपेटाइट एज यू. एपेटाइट होती है भूख, ठीक है. वो कहता है क्योंकि जेन मार्टलेट जो थी वो माशाल्लाह काफ़ी खुशहाल किस्म की खातून थी और हेल्दी वेल्दी इस तरह से ना, जिसको कहते हैं फलने फूलने वाली और थोड़ी सी ज़रा हैवी वेटेड काइंड ऑफ वुमेन थी. और तो वो कहता है कि कौन सोच सकता है कभी भी कि भूत जो है वो इतनी अच्छी खुराक हो सकती है किसी के लिए. नो, इट्स अ फैक्ट ऑफ यू बीइंग सो वेरी मच अलाइव एंड फ्लरिशिंग. वो कहते हैं आपके बारे में जो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा वो कर रही है, परेशान कर रही है, वो ये कि आप बहुत खुशहाल हैं और अलाइव हैं यानी खुश मिजाज जिंदा दिल हैं आप. दैट परप्लेक्सेस, परप्लेक्सेस मीन कन्फ्यूजेस, जो उसको कन्फ्यूज कर रहा है एंड अनॉयज हिम और उसको गुस्सा दिला रहा है. एक्सक्यूज मी. All his life he has been accustomed. Accustomed का मतलब होता है आदत, जिस चीज़ की आदत आपको हो, ठीक है. All his life he has been accustomed to look on Queen Anne as the personification of everything. Personification होता है किसी चीज़ से तशबीह देना, ठीक है. वो कहता है कि वो क्वीन एन के साथ इतना अरसा रहा है कि वो आपको उसकी तशबीह समझता है ऑफ एवरीथिंग दैट इज डेड एंड डन विद. और हर वो चीज़ जो कि मर चुकी है और उसके साथ जो कुछ भी था वो उसके साथ आपको बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है, ठीक है. And now he has to fill your glass at lunch. और अब वो आपकी भी उसकी तरह खिदमत करेगा जिस तरह से वो क्वीन एन की खिदमत करता था. And dinner और lunch और dinner में आपको खाना provide किया करेगा. And listen to your accounts और आपकी बातें सुनेगा of the gay time. Gay time मतलब joyful time, खुशहाली के दिनों की, खुशहाली के वक्तों की बातें आपसे पूछेगा सुनेगा. And naturally he feels that something's very wrong with यू. और वो नेचुरली इस बात को भी समझ जाएगा कि आपके साथ ज़रूर कुछ गलत है. दैट क्वीन एन इज डेड बट वाई यू आर अलाइव. ओके जी. बट ही वुडंट बी डाउन राइट हॉस्टाइल टू मी. वो इतना ज़्यादा स्ट्रेट अवे मेरे साथ अग्रेसिव कैसे हो सकता है? ऑन द अकाउंट वुड ही, मतलब इस मामले में वो मेरे साथ इतना ज़्यादा अग्रेसिव क्यों हो जाएगा? क्या वाकई ऐसा होगा? जेन आस्ट एंशियसली. एंशियस का मतलब होता है बेचैन होके. उसने बहुत क्यूरियस होके, बेचैन होके ये बात उससे पूछी. आई डिड नॉट गेट अलार्म्ड. अलार्म्ड का मतलब होता है एकदम चौंक जाना. आई डिड नॉट गेट रियली अलार्म्ड अबाउट इट टिल लंच टुडे. आज का जो लंच था उस टाइम तक तो मुझे इस बारे में मुझे बिल्कुल भी ना अंदेशा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है. सेड क्लोविस. आई कॉट हिम. लेकिन उस लंच टाइम पे मैंने ये उसको पकड़ा. ग्लोरिंग, ग्लोरिंग का मतलब होता है फ्राउन, मतलब कि गुस्से में होना. एट यू, वो आपको बहुत गुस्से से देख रहा था विद अ वेरी सिनिस्टर लुक. एक ऐसी उसकी आंखों में लुक आ रही थी, उसकी नजरें थी आपकी तरफ के जो बहुत ज़्यादा डरा देने वाली थी, थ्रेटनिंग थी. एंड मटरिंग, और वो खुद ही से ना विस्पर कर रहा था, सरगोशियाँ कर रहा था. ought to be dead long ago. वो ये सोच रहा था, ये सरगोशियाँ कर रहा था. ought to, should be dead long ago. ought to जो है वो ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसको अब should से रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है. ought to be dead long ago. इसको तो बहुत अरसा पहले मर जाना चाहिए था. she ought, उसको मर जाना चाहिए था. and someone should see to it. और
किसी ना किसी को तो पता होना चाहिए था कि वो मर गई है. दैट्स वाई आई मैंशन द मैटर टू यू. और इसीलिए मैंने उसको सरगोशियाँ करते हुए सुना, तो मैंने ये सारा मैटर आपके सामने पेश कर दिया. दिस इज ऑफुल, ये तो बहुत खौफनाक है, सेड जेन. जेन ने कहा, योर मदर मस्ट बी टोल्ड अबाउट इट एट वंस. तुम्हारी माँ को इस बारे में ज़रूर पता होना चाहिए. माई मदर मस्ट नॉट हियर अ वर्ड अबाउट इट. मेरी माँ को तो इस बारे में एक लफ्ज भी पता नहीं होना चाहिए. सेड क्लोविस अर्नेस्टली, उसने साफ गोई से बिल्कुल सच्चे इस बात का एतराफ करते हुए, क्योंकि उसकी माँ ने जो बोला था कि मुझे इस मामले में बिल्कुल मत घसीटना, तो उसने सीरियस होकर बोला कि मेरी मदर को तो बिल्कुल भी इस बारे में नहीं पता होना चाहिए. इट वुड अपसेट हर ड्रेडफुली, वो बहुत ज़्यादा हद तक परेशान हो जाएंगी. शी रिलाइज ऑन स्टारेज फॉर एवरीथिंग, क्योंकि घर के सारे कामों के लिए तो वो स्टरेज पे रिलाय करती हैं, और अगर मैंने उनको ये बात बता दी तो स्टरेज को काम से निकालना पड़ेगा और फिर घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा. बट ही माइट किल मी एट एनी मोमेंट, प्रोटेस्टेड जेन. उसने प्रोटेस्ट करते हुए इस बात को कहा कि वो तो मुझे किसी भी वक्त मार सकता है, तुम कैसे इतनी आसानी से ये बात कह सकते हो कि मेरी मदर को नहीं पता होना चाहिए. नॉट एट एनी मोमेंट, किसी भी वक्त नहीं वो मारेगा आपको. ही इज़ बिजी विद द सिल्वर ऑल आफ्टरनून. सिल्वर यहाँ पर जो है वो किसी सिल्वर, उसको मेटल को नहीं कहा गया, बट बल्कि यहाँ सिल्वर जो है वो क्रॉकरी को कहा गया. आप अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे घरों में अभी भी सिल्वर की क्रॉकरी यूज़ की जाती है, या जो स्पून वगैरह होते हैं, लेडल्स वगैरह होते हैं, वो सिल्वर के होते हैं, चांदी के या सिल्वर के होते हैं. तो वो कहता है कि वो जो आफ्टरनून है वो तब तक, दोपहर तक के बाद तक वो क्रॉकरी को समेटता रहेगा, उनको उनकी वॉशिंग करना और उनको प्रॉपरली अरेंज करने में लगा रहेगा. ठीक है, यू विल हैव टू कीप अ शार्प लुक आउट ऑल द टाइम एंड बी ऑन योर गार्ड. तुम्हें मेरी हिफाजत करनी पड़ेगी और उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, उस पर एक गहरी नज़र रखनी पड़ेगी. जेन सेट जेन एडिंग्स, जेन ने ये इजाफा करते हुए कहा, इट इज़ अ ड्रेडफुल सिचुएशन, ये तो बहुत खौफनाक सिचुएशन है टू बी इन, जिसमें मैं इस वक्त हूँ, बट आई एम सर्टनली नॉट गोइंग टू कट माई विजिट शॉर्ट. अभी भी वो विजिट है कि जी जो मर्जी हो जाए, मैं अपना विजिट जो है ना उसको मैं ख़त्म नहीं करने वाली या शॉर्ट नहीं करने वाली. मैं अगर यहाँ पर 15 डेज के लिए आई हूँ तो मैं 15 डेज के लिए ही यहाँ पर रहूँगी. क्लोविस मटर टू हिमसेल्फ, विस्पर टू हिमसेल्फ अंडर हिज ब्रेथ, यानी कि उसने खुद से ये कहा, द मिरेकल वॉज एन ऑब्वियस मिसफायर. डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये जो सारी प्लानिंग मैंने की थी और ये जो एक मिरेकल होने वाला था, मुआवजा होने वाला था, ये शायद अनसक्सेसफुल होगा, ये शायद कामयाब ना हो सके. इट वॉज इन द हॉल द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह हॉल में आफ्टर अ लेट ब्रेकफास्ट, दैट क्लोविस हैड हिज फाइनल inspiration as he stood engaged in a coaxing rust spot from an old putter. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या था, जो क्लोविस था वो एक हॉल में था मॉर्निंग टाइम में ब्रेकफास्ट करने के बाद, और वो क्या कर रहा था कि पटर जो होती है, इट इज अ गोल्फ क्लब, जो कि इट इज अ क्लब जो जिसको के टू हिट अ गोल्फ बॉल. ये देखिए यहाँ पर इन्होंने मीनिंग भी दिया हुआ है. ठीक है, इसका मीनिंग अगर मैं आपको यूं इस तरह से शो करूँ, ये देखें पटर इज अ गोल्फ क्लब यूज टू हिट अ पटर इज अ क्लब यूज टू हिट अ गोल्फ बॉल. ठीक है, जो गोल्फ खेलते हैं उनको पता है कि पटर क्या होता है. ठीक है, तो उसके ऊपर से कॉक्सिंग मीन्स के वो उसके ऊपर से रिमूव कर रहा था रस्ट को. ठीक है, जो जंग वगैरह लग जाता है ना उसको रिमूव कर रहा था. वेयर इज मिस मार्टलेट, मिस मार्टलेट कहाँ पर है, ही आस्क्ड द बटलर, उसने बटलर से पूछा, हु वॉज एट दैट मोमेंट क्रॉसिंग द हॉल, जो कि उस वक्त हॉल से बाहर जा रहा था. राइटिंग लेटर्स इन द मॉर्निंग रूम सर, सेड स्टारेज. स्टारेज क्योंकि पास से गुजर रहा था, वो बटलर था उनका, तो उसने बोला कि मिस स्टारेज, मिस जेन मार्टलेट जो है वो लेटर लिख रही है मॉर्निंग रूम में. You can also see this in the picture. ठीक है, अभी ये वाला सीन भी मैं आपको बताती हूँ. बट शी इज सिटिंग हेयर एंड राइटिंग द मॉर्निंग लेटर इन द मॉर्निंग रूम.
शी वॉन्ट्स टू कॉपी द इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन को वो कॉपी कर रही है जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, ऑन द ओल्ड बास्केट हिल्टेड सैबर, सैबर होती है सोर्ड, ठीक है। तो वो कहता है कि सैबर के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो उसको कॉपी कर रही है। सेट क्लोविस पॉइंटिंग टू अ वेनरेबल वेपन, वेनरेबल होता है बहुत काबिले यू नो ताजीम, संभाल कर रखा जाने वाला बहुत प्रेशियस किस्म का जो वेपन है, हैंगिंग ऑन द वॉल, वॉल पर जो हैंगिंग था उसके ऊपर से इंस्क्रिप्शन को वो लिख रही हैं। आई विश यू वुड टेक इट टू हर, मुझे मेरा ख्याल है मेरी खुशी होगी मुझे अगर तुम, मैं चाहूंगा कि तुम उस बास्केट हिल्टेड सैबर को वहां से उनके पास उतार के वहां से उनके पास ले जाओ। माई हैंड्स आर ऑल ओवर ऑयल, मेरे हाथों पर ऑयल लगा हुआ है। टेक इट विदाउट द शीथ, यानी उस बास्केट हिल्टेड सैबर जो है उसके ऊपर एक कवर होता है ना, टू प्रोटेक्ट द ब्लेड नॉट टू हिट समवन, ठीक है, कि किसी को उससे चोट ना लग जाए, कट ना लग जाए। तो वो कहता है उसके कवर के बगैर उसको उनके पास ले जाओ ताकि उनके लिए उसको नोटिस करना, उसको लिखना ज्यादा आसान हो जाए, इट विल बी लेस ट्रबल, और इस तरह उनको कम परेशानी होगी। द बटलर ड्रीव द ब्लेड, उसने क्या किया, ब्लेड को निकाला, यानी कि सैबर को सॉरी बास्केट हिल्टेड का जो शीट था उसको रिमूव किया और उसके ब्लेड को उसके अंदर से निकाला। एंड कैरिड इट इन टू द मॉर्निंग रूम, और उसको मॉर्निंग रूम में ले गया जहां पर के मिसेज जेन मार्टलेट जो थी वो बैठी हुई थी। देयर वॉज अ डोर नियर द राइटिंग टेबल, राइटिंग टेबल के पास एक डोर था लीडिंग टू अ बैक स्टेयरवे, ये देखिए दिस इज द स्टेयरवे, ठीक है, बैक साइड पे स्टेयर केस जो है वो जा रहा है, स्टेयरवे है जिसके थ्रू जो है अभी हम देखेंगे क्या हो जाएगा। जेन वैनिश्ड, डिसअपियर्ड, ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग होते हैं, थ्रू इट विद सच लाइटनिंग रेपिडिटी, यानी कि जिस तरह से, जिस तेज रफ्तारी से बिजली चमकती है ना, उस तेज रफ्तारी से वो वहां से गायब हुई। दैट द बटलर डाउटेड वेदर शी हैड सीन हिम कम इन, उसको लगा कि मुझे लगता है कि शायद उसने मुझे अंदर आते हुए देख लिया और वो वहां से भाग गई है। हाफ एन आवर लेटर क्लोविस वॉज ड्राइविंग हर एंड हर हैस्टली पैक्ड लगेज टू द स्टेशन, आधे घंटे के अंदर अंदर जेन मार्टलेट ने अपना सारा सामान पैक किया और हैस्टली, हैस्टली मतलब क्विकली, बहुत जल्दी जल्दी में जो सामान पैक किया हुआ था उसको लेके क्लोविस जो है वो जेन मार्टलेट को लेके वहां से उसको स्टेशन पे चला गया। मदर विल बी ऑफुली वेक्स्ड, मेरी मदर जो है वो परेशान हो जाएंगी बहुत ज्यादा। व्हेन शी कम्स बैक फ्रॉम हर राइड, जब वो अपनी राइड से अपने सफर से वापस आएंगी, एंड फाइंड्स यू हैव गॉन, और देखेंगे कि आप चली गई हैं। ही ऑब्जर्व्ड टू द डिपार्टिंग गेस्ट, डिपार्टिंग मतलब लीविंग, जो वहां से गेस्ट जा रहा था उसको नोटिस किया, उसको ऑब्जर्व किया ऊपर से लेके नीचे तक, उसके तासुरात देखे कि कहीं ये अपना इरादा बदल ही ना दे। बट आई विल मेक अप सम स्टोरी अबाउट एन अर्जेंट वायर हैविंग कॉल्ड यू अवे, यानी कि वो कहते हैं कि मैं ये बहाना करूंगा कि आपको एक अर्जेंट कॉल आ गई थी जिसकी वजह से आपको जाना पड़ा। इट वुडंट डू टू अलार्म हर अननेसेसरीली अबाउट स्टोरेज, ऐसा करने से क्या होगा कि वो स्टोरेज के बारे में बहुत ज्यादा अलार्म नहीं होंगी, परेशान भी नहीं होंगी। जेन स्निफ्ड स्लाइटली एट क्लोविस आइडिया ऑफ अननेसेसरी अलार्म, वो एकदम से ना उसको छींक आ गई कि जिस तरह कोई घबरा जाता है कि अच्छा मेरे साथ कुछ गलत होने वाला था और सब। द मिरेकल लॉस्ट सम ऑफ इट्स यूजफुलनेस फ्रॉम द फैक्ट, अच्छा अब ये जो उसने इतनी सारी एफर्ट्स की थी, लॉस्ट सम ऑफ इट्स यूजफुलनेस, अब उसका जो था ना वो फायदा कोई नहीं हुआ उनको, क्यों नहीं हुआ, फ्रॉम द फैक्ट, ये बात सच थी, दैट डोरा रोड द सेम डे, जिस डे पर जेन मार्टलेट वहां से जा रही थी उसी दिन डोरा ने लेटर लिख दिया पोस्टपोनिंग द डेट ऑफ हर विजिट, के जी वो नहीं आ रही है। बट एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर क्लोविस होल्ड्स द रिकॉर्ड, क्लोविस को ये रिकॉर्ड हासिल हो गया एज द ओनली ह्यूमन बीइंग, के सिर्फ वो वाहिद इंसान था हु एवर हसल्ड यानी पुश्ड नज, जिसने पुश किया उसको जेन मार्टलेट को इस घर से निकालने में आउट ऑफ द टाइम टेबल ऑफ हर माइग्रेशंस, यानी कि वो हमेशा इस उसके साथ आती थी कि 14 डेज के विजिट के लिए ही वो हमेशा आएगी और उसके अलावा वो उससे जल्दी यहाँ से जाया नहीं करेगी। तो क्लोविस जो था वो पहला इंसान था जिसने जेन मार्टलेट को घर से जल्दी भगाने में अपना किरदार अदा किया और उसको हमेशा के लिए ऐसा डरा दिया कि आई थिंक वो अब दोबारा उनके घर
पे शायद आए भी नहीं कभी. सो दिस वॉज द स्टोरी और आई होप कि आप इस स्टोरी को कंप्लीट पढ़ना भी ज़रूर पसंद करेंगे. ठीक है, अभी मैं आपको एक इसका शॉर्ट रिव्यू दे देती हूँ वर्ड्स इन यूज़ का. ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था जिसके बारे में हमने बात की पढ़ा. और हर चैप्टर के एंड पे आप लोग देखेंगे कि कुछ वर्ड्स जो इम्पॉर्टेंट और ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग उन्होंने इस पे शेयर कर दिया और जो आप लोगों के लिए न्यू वोकैबुलरी हो सकती है. तो वो हर चैप्टर के एंड पे आपको वोकैबुलरी भी दी हुई है और उसके सामने उसका उनके मीनिंग्स जो हैं वो भी दिए हुए हैं. तो ये है कि इसके अलावा भी मुझे जहाँ तक लगा कि ये दीज मीनिंग्स आर नॉट एनफ फॉर माई स्टूडेंट्स, सो दैट इज़ वाई आई रोट ऑल द मीनिंग्स इन द बुक ऑन द चैप्टर. ठीक है, तो आपको इस चैप्टर से आप पॉज कर सकते हो वीडियो को और जो भी मीनिंग आपको मुश्किल लग रहा हो आप उसको इजीली राइट डाउन कर सकते हो. यू शुड यूज दोज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ और इस तरह आपकी वोकैबुलरी में इजाफा भी होगा एंड एज वेल एज ये कि आपको उनकी प्रोनंसिएशन भी करनी आएगी. एंड प्लीज डू यूज दोज वर्ड्स एंड दीज वर्ड्स टू इन योर sentences, in making sentences. ठीक है, so I hope ये chapter आपको समझ आया है. For any query you can drop a message into the comment section और please do let me know. Video को ज़्यादा से ज़्यादा please share करना शुरू कर दीजिए. मुझे बहुत ज़्यादा subscribers चाहिए हैं इस noble course के लिए कि वो students जिनको chapters मुश्किल लग रहे होते हैं, वो teachers even जिनको lecture को deliver करने में बास दफ़ा मुश्किल हो रही होती है, तो ये होता है कि वो इस मेरे lecture से बहुत help ले सकते हैं और अब नेक्स्ट डे अपनी क्लास में जाके इजीली वो इस चैप्टर को डिलीवर कर सकते हैं. सो ये वीडियो बहुत सारे मामलों में हेल्पफुल होने वाली है और ना सिर्फ टीचर और स्टूडेंट बल्कि पेरेंट्स के लिए भी जो अपने बच्चों को या तो किसी वजह से स्टूडेंट्स एब्सेंट हो जाते हैं या फिर ये कि वो घर पर ही ट्यूशन को अवॉइड करते हैं और घर पर ही अपने बच्चों को जो है रिवाइज करवाते हैं कॉन्सेप्ट्स को. तो समटाइम ये होता है कि अगर बच्चे को नहीं समझ आ रहा तो लेक्चर्स को देख के स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाएगा. सो रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.